वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर नाइन करेंगे ठीक है तो हंड्रेड सर नेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन द सर नेम्स फाउंड एज फॉलोज तो ये पूरा टेबल गिवन है नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं नंबर ऑफ सर नेम्स हैं और इसका हिस्टोग्राम बनाना है ठीक है और दूसरा क्वेश्चन भी है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर नेम्स लाइ ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाइन इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो को हमारे पास ये क्वेश्चन केवन है इसमें नंबर ऑफ लेटर्स केवन है वन टू फोर फोर टू सिक्स ये पूरे ठीक है नंबर ऑफ सर नेम्स केवन है तो आपको मैं बार बार हर वीडियो में बता रही हूँ कि हिस्टोग्राम के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको सबसे पहले इंटरवल चेक करना है क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है या नहीं है तो देखो फोर वन टू फोर फोर टू सिक्स सिक्स टू एट ये एट टू ट्वेल्व टू ट्वेंटी तो क्लास इंटरवल तो बिल्कुल सेम है कैसे चेक किया फ़ोर पर एंड फोर से शुरू सिक्स पर एंड सिक्स से शुरू एट पर एंड एट से शुरू ठीक है तो क्लास इंटरवल तो बिल्कुल सेम है क्योंकि फोर माइनस फोर जीरो यू नो बीच में गैप नहीं आना चाहिए ठीक है अब दूसरी चीज हमें चेक करनी है क्लास वर्थ तो वन टू फोर में थ्री का गैप है फोर टू सिक्स में टू का गैप है यानी कि क्लास वर्थ डिफरेंट है अब जब क्लास वर्थ डिफरेंट होती है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन अब ये थर्ड कॉलम बनाइए और उसमें लिखिए वर्थ वर्थ कैसे निकाली फोर माइनस वन कर दिया थ्री सिक्स माइनस फोर टू एट माइनस सिक्स टू ट्वेल्व माइनस एट फोर ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व एट ठीक है ये वर्थ का कॉलम बनाया अब लिखना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मिनिमम विर्थ अपॉन करंट विर्थ इन टू फ्रीक्वेंसी ठीक है मिनिमम विर्थ इसमें देखो विर्थ में मिनिमम कितनी जा रही है टू थ्री टू टू फोर एट में मिनिमम कितनी गई टू तो मिनिमम विर्थ टू अपॉन करंट विर्थ यानी कि इस वाले कॉलम की क्योंकि हम फर्स्ट ए वाला ले रहे हैं ना तो इसकी करंट विर्थ थ्री इंटू फ्रिक्वेंसी इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है सिक्स सो टू बाई थ्री इंटू सिक्स थ्री से टू सिक्स टू टाइम्स कट है टू टू ज फोर ठीक सेकेंड में अब सेकेंड वाले का निकालेंगे तो मिनिमम विर्थ अपॉन करंट विर्थ करंट विर्थ कितनी है टू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी थी थर्टी टू से थर्टी फिफ्टीन टाइम्स कट फिफ्टीन टू ज थर्टी नाव अगेन थर्ड वाले का मिनिमम विर्थ अपॉन करंट विर्थ टू है इनटू फ्रीक्वेंसी इसकी फोर्टी फोर है ठीक है फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो ट्वेंटी टू टू जा फोर्टी फोर नाव अगेन फोर्थ वाले का टू अपऑन फोर मिनिमम विर्थ अपॉन करंट विर्थ ठीक है फोर है करंट विर्थ इनटू फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी सिक्सटीन थी तो फोर से ये फोर टाइम्स फोर टू जा एट नाव अगेन मिनिमम विर्थ अपॉन करंट विर्थ इन टू फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी फ़ोर जा रही है तो फोर टू ज़ा यहाँ पर कट टू टू ज़ा टू वन ज़ा टू ठीक है अब हमारे पास लेंथ आ गई फोर थर्टी फोर्टी फोर एट एन वन आप इसका हिस्टोग्राम बनाना है अब हिस्टोग्राम में आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम नहीं लेने थर्ड और फोर्थ कॉलम से आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है कैसे बनाया ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है अगर मैं आपके सामने ही बनाती हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो मैंने टाइम सेव करने के लिए क्या किया पहले आपको हिस्टोग्राम पहले से ही बना के रखा है ताकि आपको टाइम ताँ, टाइम से वो अब फर्स्ट में आपने इसमें क्या किया हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर लीजिए नंबर ऑफ़ सर नेम्स वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर लिए नंबर ऑफ़ लेटर्स ठीक है लास्ट हमारा जा रहा है टेन ट्वेल्व टू ट्वेंटी यानी अप टू तो ट्वेंटी तक तो हमारे पास लाइन होनी चाहिए तो यहाँ से जीरो से लेकर ट्वेंटी तक का एक एक ब्लॉक में वन टू थ्री फोर इस तरीके से ट्वेंटी तक आ गए और यहाँ पर हमारा जा रहा है मैक्सिमम जा रही है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फोर्टी uh, फोर तो फोर्टी फोर के हिसाब से मैंने क्या किया जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी इस तरीके से ले लिया ठीक है अब इसमें फर्स्ट लेना है विर्थ थ्री एंड लेंथ फोर ठीक है विर्थ थ्री लेकिन ये नंबर ऑफ लेटर वन टू फोर ठीक है तो हमें ज़ीरो से नहीं शुरू करना है वन टू फोर यानी वन से ही स्टार्ट करना है और लेंथ कितनी होनी चाहिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फोर तो वन से स्टार्ट किया और फोर पर आए ओनली फोर लाइन्स ठीक है वन टू थ्री फोर फोर लाइन्स तक आए वर्थ ये तो लेंथ हो गई लेंथ यानी ऊपर चढ़ना विर्थ यानी कि हॉरिजेंटल लाइन तो वन टू थ्री थ्री आप ब्लॉक गए और यहाँ पर पॉइंट लग गया ठीक है सेकेंड गिवन है विर्थ है टू एंड लेंथ है थर्टी थर्टी यानी कि टेन ट्वेंटी थर्टी इस लाइन को फोर वाली लाइन को फोर से ऊपर गए थर्टी और व्यर्थ इसकी टू है यानी कि वन एंड टू ठीक है टू पर आए नेक्स्ट आपका है सिक्स टू एट आपका जो क्लास इंटरवल है सिक्स टू एट सिक्स टू एट वाले में विर्थ तो इसकी जा रही है टू तो वन एंड टू ये तो ठीक है और फोर्टी फोर फोर्टी फोर लेंथ है यानी कि सिक्स से ऊपर चले फोर्टी फोर तक आना है ये हाँ ये फोर्टी और फोर्टी के बाद फोर मोर लाइन्स ये बन गया ये वर्थ इसकी टू है तो वन एंड टू टू ब्लॉक आगे बढ़ें ठीक है नेक्स्ट वाले की जा रही है विर्थ है फोर लेकिन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एट है यानी कि सीधे से ये वाली जो एट टू ट्वेल्व वाले में देखो एट टू ट्वेल्व एट टू ट्वेल्व वाले में है ये एट टू ट्वेल्व एंड इसकी लेंथ है एट तो एट टू ट्वेल्व वाले में यहाँ एट पर गए और आपकी लेंथ कितनी है एट तो एट तक गए और इसकी विर्थ है फोर वन टू थ्री फोर एट तक जाने के बाद फोर तक आगे बढ़े और नीचे आ गए ठीक है लास्ट वाले में गिवन है आपका ट्वेल्व टू ट्वेंटी वाला है यानी कि यहाँ पर ट्वेल्व वाली लाइन पर चलना है और कितनी है इसकी लेंथ ओनली वन तो ओनली सिंपल छोटी सी वन लाइन पर जाके और कितने ब्लॉक चलना है एट तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पर आके नीचे ये इसका बना हिस्टोग्राम अब इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द सर नेम लाई इन क्लास इंटरवेल सिक्स टू एट देखो ये सिक्स टू एट वाले हैं नंबर ऑफ़ सर नेम देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितने हैं सिक्स टू एट वाले में हैं ये फोर्टी फोर हैं बाकी तो सबके कम हैं लेकिन सबसे ज़्यादा किसके हैं 44 फोर सिक्स टू एट क्लास इंटरवेल के तो आपको आंसर क्या देना है मोस्ट ऑफ़ द सर नेम लाई इन क्लास इंटरवेल सिक्स टू एट